पार्कर सोलर प्रोब ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सूरज के एटमॉस्फेयर कोरोना के अंदर मौजूद है, जहां का टेम्परेचर 5,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि किसी भी मेटल को पल भर में ही पिघला सकता है। तो आखिर ये स्पेसक्राफ्ट इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी कैसे वर्क कर रहा है, चलिए जानते हैं। पार्कर सोलर प्रोब के आगे एक हीट शील्ड लगाया गया है जो एक स्पेशल कार्बन फोम से बना हुआ है, और इसके ऊपर व्हाइट पेंट भी किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। लेकिन ये शील्ड भी 2500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही झेल सकता है। तो आखिर ये 5,00,000 डिग्री सेल्सियस में भी क्यों नहीं पिघलता, इसका आंसर भी बड़ा आसान है। दरअसल हीट को ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और सूरज के एटमोसफेयर में कोई भी मीडियम नहीं है, और इसी कारण से हीट अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाता और हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर पहुँच पाता है। वही जो हिस्सा हीट शील्ड के पीछे मौजूद है वहाँ का टेम्परेचर तो माइनस में होता है, और यही कारण है कि ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतने पास होते हुए भी मेल्ट नहीं होता।